आप भी घुटनों के दर्द से परेशान है, चाहे जैसा भी घुटने का दर्द है, दो योग क्रिया बता रहे हो, रेगुलर कर लीजिए, फर्स्ट टाइम में रिलीफ आएगा। और अगर आप रेगुलर कर लोगे तो आपका जो घुटनों का दर्द है 100% तक क्योर हो जाएगा। पहले दोनों पैरों को इस तरीके से सामने लाइए और पैरों के पंजे पूरी तरीके से स्ट्रेच, आप देखोगे घुटनों तक पूरा स्ट्रेच आएगा। और फिर अपनी तरफ ऐसा कम से कम आपको 20 बार करना है। और इसके बाद राइट वाले पैर को फोल्ड करिए दोनों हाथों से, इस तरीके से अपने थाई को पकड़ना है और ब्रीथ के साथ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ब्रीथ इन, ऐसा कम से कम 10 टाइम्स करिए और फिर 10 पे 10 सेकेंड के लिए होल्ड। आप देखोगे स्ट्रेच आएगा और पहली बार में ही आप अच्छा फील करोगे। और फिर सेम अपोजिट साइड ब्रीथ के साथ चलना है 10 टाइम्स और फिर 10 पे 10 सेकेंड होल्ड। क्या आप भी सुबह उठ के थका हुआ और शरीर में अकड़न महसूस करते हैं? कुछ बेसिक स्ट्रेच बता रहे हो, रेगुलर कर लीजिए, सुबह उठते ही आप अच्छा फील करोगे। दोनों हाथों को रब करिए, फेस पे लगाइए और आँखों पे, दोनों हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे से दोनों आँखें ओपन। उसके बाद दोनों फिंगर इंटरलॉक और स्ट्रेच, लेफ्ट और राइट दोनों साइड स्ट्रेच कर लीजिए। सबसे पहले राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड। और पिलो लीजिए सामने रख के, फेस को करना है ऊपर और बैक को स्ट्रेच करते हुए उस पर लेट जाइए। दोनों फिंगर इंटरलॉक और स्ट्रेच। वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साइकिल से परेशान हो, 3 स्ट्रेच बता रही हूँ, रेगुलर कर लीजिए, पहली बार में ही आराम आएगा। सबसे पहले शोल्डर पीछे की तरफ और नेक से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से कम 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। और इसके बाद दोनों फिंगर इंटरलॉक, दोनों अंगूठे को यहाँ चेन पे लगाइए, नेक पूरा पीछे और होल्ड 10 ब्रेथ तक होल्ड करिए और फिर धीरे से वापस। इसके बाद नेक को पीछे लेके जाना है, मैक्सिमम स्ट्रेच, चेस्ट पूरी स्पेंड, शोल्डर पीछे की तरफ और होल्ड। आप भी सनटैन से परेशान हो, फेस से ग्लो चला गया है, वेकेशन का टाइम है, कितना भी फेस को कवर कर लो, कितनी भी सनस्क्रीन लगा लो, टैनिंग हो ही जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बनाना बता रही हूँ जिसको हफ्ते में आपको 2 से 3 बार लगाना है। अल्टरनेट डे आप लगा सकते हो, एक दिन छोड़ के फिर लगा सकते हो जब टैनिंग हो, अदरवाइज आप इसको वंस इन अ वीक, हफ्ते में बस एक दिन आप इसको लगाना। आप देखो फर्स्ट टाइम में ही मिरेकल वाले आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। करना क्या है, बहुत अमेजिंग है, जल्दी से आप सेव कर लीजिए, कहीं भूल ना जाओ। आपको क्या करना है, जो संतरे के छिलके आते हैं उसको सनलाइट में सुखा लेना है, और जो गुलाब का फूल होता है ना उसकी पत्तियां आपको मार्केट में मिल जाएंगी इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप से, वो लेके आनी है। अब आपको क्या करना है, जब वो पत्ते सूख जाए एक जार में, जो मिक्सी का जार होता है उसमें उसको डालना है, और गुलाब की पत्तियां उसमें डालनी है, और उसमें डालना है 2 चम्मच बेसन, आधी चम्मच हल्दी, और इसको पीस लेना है। आप देखोगे बिल्कुल फाइन एक पाउडर सा बना लेना है, उसका पाउडर बन जाएगा, और उसको आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। और जब भी लगाना हो क्या करना है, 1 चम्मच निकाला, उसमें 1 चम्मच हनी, 1 चम्मच शहद डाला, 1 चम्मच कच्चा दूध उसमें डालना है, अच्छे से मिलाना है, और मिलाने के बाद फेस पे आप लगा लीजिए। 1 मिनट के लिए हल्के हल्के से स्क्रब भी कर लीजिए और 15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद छोड़ देना है। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से आप धो लीजिए। आप देखो फर्स्ट टाइम में मिरेकल वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।